भारतीय समय के अनुसार 4 अक्टूबर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं हुआ है। इससे पहले इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव करने को लेकर सितंबर के अंत तक का समय दिया गया था, लेकिन सितंबर के अंत तक में भी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं हुआ था। उसके बाद इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर 4 अक्टूबर का समय दिया गया था और 4 अक्टूबर के बारे में यह बताया गया था कि भारतीय समय के अनुसार 4 अक्टूबर को दोपहर में, शाम में या फिर रात में 4 अक्टूबर को कभी भी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव हो सकता है, क्योंकि दूसरे देशों की अपेक्षा भारतीय समय डिफरेंट रहता है। इसलिए 4 अक्टूबर को दोपहर को या फिर शाम को या फिर रात को इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव करने का समय दिया गया था। लेकिन 4 अक्टूबर बीत चुका है और आज 5 अक्टूबर आ गया है, लेकिन अभी भी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर CEO मिस्टर एस मुफारे के द्वारा सितंबर के अंत तक का जो समय दिया गया था, और सितंबर के अंत तक इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं होने के बाद CEO मिस्टर एस मुफारे ने OP360 वेबिनार को रद्द कर दिया। OP360 वेबिनार को सदा के लिए बंद कर दिया गया, यानी अब ऑनपैसे 360 वेबिनार नहीं होगा। और इसके बारे में यह बताया गया कि अब जो भी अपडेट आएगा वह अपडेट OES में नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाएगा। जिस गलती से बचने के लिए CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा OP360 वेबिनार को बंद करवाया गया, वही गलती फिर से दोबारा दोहराया गया है। यानी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव करने को लेकर 4 अक्टूबर का जो समय दिया गया था उस डेट में भी इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं होगा। और लाइव होने के बारे में यह बताया गया था कि जब इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव होगा तब आपको ऑनपैसी वेबसाइट पर जाना है और उस वेबसाइट में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अभी जब हम ऑनपैसी वेब पोर्टल पर आने के बाद यहां पर जो लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वही नोटिफिकेशन मैसेज हमें दिखाई देता है जो मैसेज पहले दिखाई देता था। और इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल अभी भी लाइव नहीं हुआ है। और इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर ऑनपैसे के CEO मिस्टर एस मुफारे के छवि को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई आने वाले समय में शायद ही हो पाएगा। इकोसिस्टम लाइव करने को लेकर CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा कई बार डेट दिया गया और उस डेट को इकोसिस्टम वेब पोर्टल लाइव नहीं हो पाया, जिसके कारण CEO के प्रति फाउंडर्स के मन में जो विश्वास था वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।